दो माह की नन्नी हुमा, एक हौलनाक वाकया। उसने कहा मैं अभी जा रही हूँ आपके साथ, थोड़ी देर में वो गायब हो। माँ ने बेटी को अजनबी खातून के हवाले क्यों किया? औरत की जब औलाद ना हो तो औरत अपने आप को नामुकम्मल समझती। हॉस्पिटल के रिकॉर्ड से मार्केट के सीसीटीवी कैमरों तक। मेरे तो पाँव के नीचे से जमीन निकल गई थी कि यार इतनी सी बच्ची उठा के ले गए, वो भी गोद से। पुलिस तफ्तीश में चौंका देने वाले इंकशाफात। किसी को भी शक नहीं गुजरा कि ये जो खातून जो यहाँ पर एक बच्चे को गोद में उठा के लेके जा रही हैं, वो किसी और का बच्चा अगवा करके लेके जा रही हैं। अगर आप ये समझते हैं कि हमदर्दी के दो बोल बोलने वालों और मुश्किल में दो कदम साथ चलने वालों पर अंधा एतबार किया जा सकता है तो फिर से सोचिए। जो दिखाई दे वही सच्चाई हो। अगर ऐसा होता तो फिर कराची में ये अफसोसनाक वाकया कभी पेश ना आता। यह है वो मासूम बच्ची, दो माह की नन्नी हुमा, जिसके अगवा की पुरसरार वारदात ने पुलिस को भी चौंका के रख दिया। हॉस्पिटल के बाहर फुटपाथ पर खेला गया कौन सा खेल? दो माह की बच्ची माँ की गोद से अजनबी खातून के हाथों में कैसे पहुँची? ये नन्नी हुमा की वालदा और अगवाकार खातून की थी पहली मुलाकात। अगवाकार खातून ने दिखाया ऐसा कौन सा ख्वाब के बच्ची की वालदा ने किया अंधा एतमाद? सीसीटीवी कैमरा से खुला कौन सा राज? हॉस्पिटल से मार्केट तक किसने चली शातराना चाल? बेटी के अगवा की खबर मिलने पर कैसे बाप पर टूटा गम का पहाड़? मेरे तो पाँव के नीचे से जमीन निकल गई थी कि यार इतनी सी बच्ची उठा के ले गए, वो भी गोद से, कैसे ले गई? अगवाकार खातून किस मकसद के तहत नन्नी हुमा को ले गई थी अपने साथ? पुलिस ने दौरान तफ्तीश क्यों खुलकर ना किया हर बात का इजहार? कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस की नजर में अपनों का था मशकूक किरदार? हमें क्यों नहीं रहता खुद पर इख्तियार? जहां आंखें खुली रखनी चाहिए वहां क्यों करते हैं अंधा एतबार? हम कैसे बचाएं अपने बच्चों को? नौसरबाज कैसे खेलते हैं हमारे दिमागों के साथ? ये प्रोग्राम हर शख्स के लिए देखना इंतहाई जरूरी है। मेरे साथ अमजद साहब मौजूद हैं, उनकी फैमिली है, इनसे जानते हैं कि इनके लिए कितना कर्बनाक था वो एक महीना जब इनकी बच्ची लापता हुई और दो माह की बच्ची हॉस्पिटल से गायब हो जाती है। तो एक वालिद जो है वो किस कर्ब से गुजरता है, एक वालदा किस अज़ियत का शिकार होती है, इस पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अमजद साहब। वालेकुम अस्सलाम। अमजद भाई क्या करते हैं आप? सर मैं एक कंपनी में जॉब करता था, प्राइवेट जॉब। कितना अर्सा हुआ शादी को? शादी को तकरीबन 4 साल। और माशाल्लाह कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्ची हैं मेरी। दुआ करें अल्लाह सबके बच्चों को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, लेकिन जो इन वालिदैन पर बीती वो कहानी रुला देने वाली है। आप हॉस्पिटल में थी? जी मैं हॉस्पिटल पे बाहर बैठी हुई थी। बहन मुझे ये बताएं कि वो जो औरत थी उसको आप पहले जानती थी जो आपके पास आके बैठी? नहीं मैं नहीं जानती थी उसको। उसने क्या बातें शुरू की आपसे आके? वो जैसे आके बैठी तो वैसे ही घर की बातें कर रही थी, मैं भी उसके साथ करने लगी। और हुमा आपकी गोद में थी? जी। तो फिर ये जब उम्र होने लगी तो उसने बोला कि मुझे लाओ, मुझे दो, मैं तुम्हें वो इसको चुप करवा के देती हूँ। बस वो जैसे उसने ली तो वो ये चुप हो गई थी। हम लोग जैसे जाने लगे वो भी हमारे साथ साथ जा रही थी। तो हम अब बच्चा उसके गोद में था? जी बच्चा उनके गोद में था। हैरत की बात ये है कि मासूम बच्ची हुमा की वालदा अकेली ना थी बल्कि उनके साथ उनकी एक रिश्तेदार खातून भी थी, मगर अगवाकार खातून दोनों को चकमा देने में कामयाब हो गईं। उस दिन क्या हुआ था वहाँ पे, वो क्या खातून ने इनको किस तरह से अपनी बातों में फंसाया, क्या बातें की उसने? हम लोग फुटपेरी में बैठे हुए थे तो इसके साथ बातें करने लगी। हम मैं थोड़ा पीछे बैठी हुई थी, ये उसके साथ बैठी हुई थी। तो बच्ची रो रही थी, उसने इसकी गोद से बच्ची को लिया कि मैं इसको चुप करवा रही हूँ। जैसे ही हमारा टाइम उधर से ख़त्म हुआ हम वहाँ से जाने लगे तो उसने हमने उनसे बच्ची मांगी है, उन्होंने कहा कि हम भी आपके साथ जा रहे हैं स्टाफ तक। तो जैसे स्टाफ तक वो हमारे साथ साथ आ रही थी, हमने बीच में फिर भी उनसे बच्ची मांगी है। लेकिन उसने कहा मैं अभी जा रही हूँ आपके साथ, थोड़ी देर में वो गायब हो गई। अचानक किसी छलावे की तरह कहां गायब हो गई वो खातून? टीम इंकशाफ ने मुतल्लिका हॉस्पिटल और इन रास्तों पर जाकर जब इस केस का तफसीली जायजा लिया तो कई हैरान कुन हकाइक सामने आए। ये
इस वक्त हम उस अस्पताल के सामने मौजूद हैं जहाँ पर उस दिन 21 नवंबर को हिना बीबी जो हैं हुमा को गोद में लेकर यहाँ फुटपाथ पर बैठी हुई थी। और नॉर्मली होता ये है क्योंकि ये वेलफेयर हॉस्पिटल है, रश बहुत होता है, तो ख़वातीन जब वहाँ से निकलती हैं तो थोड़ी देर यहाँ बैठ जाती हैं, और क्योंकि अंदर रश ज़्यादा होता है। अभी तो क्योंकि शाम का वक्त है तो ख़वातीन जा चुकी हैं, लेकिन दिन में 1 बजे तक जो OPD हो रही होती है तो उस वक्त तक काफ़ी रश होता है और अक्सर ख़वातीन यहाँ अपने बच्चों को लेकर बैठी हुई होती हैं। तो इन्हें भी आप यहाँ बैठी हुई थी? जी मैं यहाँ पे बैठी हुई थी, तो वो लड़की आके मेरे पास बैठी, तो अंदर से मेरी बहन आई, तो बहन ने बोले चलो घर चलते, तो वो जैसे हमारे साथ जाने लगी रोड तक हमारे साथ चली, तो फिर वहाँ से हम लोगों ने पानी पिया साथ पे, तो वहाँ से बच्ची को लेके गायब हो गई। यहाँ से आप लोग चलना शुरू हुए। और यहाँ पर वो खातून जो हैं इनके पास आके बैठी, इनसे बात वगैरह की। अच्छा, अब यहाँ पर आपको ऊपर एक CCTV कैमरा नज़र आ रहा होगा ऊपर, तो उससे पहली फुटेज जो है मिली। इस CCTV फुटेज में ये सब कुछ वाज़े है। सड़क पर चलती तीन खवातीन को एक साथ देखा जा सकता है जिन्होंने काले रंग के अबाये पहन रखे हैं। दाएं तरफ मौजूद खातून जिसके सर पर सफेद स्कार्फ है और उसने एक बच्चे को उठा रखा है, ये है नन्नी हुमा की वालदा, जबकि दरमियान में चलती खातून उनकी रिश्तेदार हैं। और अब जरा गौर से देखिए, बाएं तरफ जो खातून दिखाई दे रही हैं, यही है वो नौसरबाज खातून जिसने नन्नी हुमा को अगवा किया। फुटेज में देखा जा सकता है कि इस खातून ने सफेद रंग के कपड़े में लिपटी हुई जिस बच्ची को उठा रखा है वो कोई और नहीं है, वही मासूम बच्ची है जिसे अगवा किया गया। आइए हम आगे चलते हैं कि आगे वो कहां कहां गए, कहां कहां तक क्लू मिला और कहां पे पहुंच के CCTV मिलना, फुटेज जो है मिलना वो बंद हो गई, और कहां पर एक बिल्कुल ये बंद गली में आ गए। उनको समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, आगे कैसे वो उस हुमा तक पहुंचें, अपनी बच्ची तक जो कि उस वक्त वहाँ से जा चुकी। कैमरे देख रहे हैं यहाँ से फुटेज मिली, और जिस मकाम पर मैं खड़ा हुआ हूँ जहाँ पर वो खातून वहाँ से चलते हुए यहाँ तक आई हैं, और यहाँ पर ये CCTV फुटेज एंड हो गई थी। और उसके बाद फिर पुलिस ने आगे जो शॉप्स हैं वहाँ पर देखना शुरू किया कि वहाँ किस किस में CCTV फुटेज है और कहाँ तक उस खातून को ट्रेस किया जा सकता है। तो आगे चलते हैं, वहाँ पर आपको लेके चलते हैं जहाँ से उन्होंने फ्रूट खरीदा और पानी की बॉटल। देखिए जरा वो अगवाकार खातून कैसे इन खवातीन को अपनी बातों में उलझाए हुए है, और ये दोनों खवातीन भी उससे बातों में ऐसे मगन है जैसे कोई पुरानी जान पहचान हो। लेकिन हकीकत यह है कि इस नौसरबाज खातून ने बस चंद मिनटों में अपनी बातों से इन खवातीन पर ऐसा सहर तारी किया कि वो उस पर अंधा एतबार करने लगीं। वो भी इस हद तक अपनी मासूम बच्ची तक को उसके हवाले कर दिया। कई दफा ऐसा होता है कि इंसान की जात में कोई कमी रह गई है। मिसाल के तौर पर घर में कोई ज्यादा बातचीत करने वाला नहीं है, शौहर टाइम नहीं देता, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसी और के पास टाइम नहीं है, तो ऐसा शख्स जो है वो अटेंशन ढूंढ रहा होता है, तवज्जो ढूंढ रहा होता है, कोई से बात करे, तो ये बड़े वल्नरेबल होते हैं। यानी इनके अंदर एक ख़तरनाक चीज़ ये होती है कि कोई भी उनके अंदर जा सकता है, इनके दिमाग में जा सकता है, ये शो करके अपना ही है या शो करके कि मैंने तवज्जो दी है तुम्हें, तुम अच्छी हो, ये इस किस्म की बातें करके। तो मेरे ख्याल में इस खातून ने किया ये होगा कि जब गुफ्तगू हुई होगी, वो जो मुलजिमा है उसने गुफ्तगू जब शुरू की होगी तो उसको अंदाज़ा था कि मुझे इसका बच्चा लेना है, मगर उसके पास कोई तरीका नहीं था उस वक्त। बातों बातों में वो एतमाद का रिश्ता 10-15 मिनट में बड़े आस को रेपो बिल्डिंग कहते हैं, बेसिकली बड़ा फन है ये दुनिया में, हम 10 मिनट में किसी के साथ ऐसा रेपो बिल्डअप कर सकते हैं कि वो शख्स अपने पैसे भी दे देगा आपको, जैसे आजकल बड़े वाकयात हो रहे हैं। कई दफ़ा एक खातून अपनी मजलूमियत का रोना किसी और खातून के सामने रोती है तो उसे लगता है ये भी मजलूम है, मैं भी मजलूम हूँ, तो कॉमन चीज़ें आ जाती है आपस में, ठीक है ना। कई दफ़ा किसी का हस्बैंड जालिम है और वो कहती है, उसको लगता है मेरा हस्बैंड भी जालिम है, तो एक कनेक्शन बनता है, इसको कहते हैं सिमिलैरिटीज़ ढूंढते हैं किसी के अंदर। तो यकीनन इस औरत ने कोई ऐसी गुफ्तगू की होगी जिसमें सामने वाली खातून 10 मिनट में उस पर ट्रस्ट, और ट्रस्ट ऐसा हो गया कि अच्छा मैं बाथरूम जा रही हूँ तो वो आप मेरा बच्चा था। किसी पर अंधा एतबार कैसे हमें खतरनाक हालात से दोचार कर देता है, ये कहानी हर वालिदैन के लिए चौंका देने वाली है। उसने आपको अपने बारे में क्या बताया कि वो कौन है? उसने अपने बारे में कुछ नहीं, अपने बारे में कुछ नहीं बताया, नहीं। और क्या क्या कहा उसने आपको? हम लोग जैसे मेरी बहन ने बोला ना नंद ने कि चलो घर चलते, तो उसको हम लोगों ने बोला लाओ बच्ची हमें दो, उसने बोला नहीं। बच्ची उसकी गोद में कितनी देर से थी? 20 मिनट से थी, उसने आराम से बच्ची को सुला रही थी, बच्ची को प्यार कर रही थी। तो आपको, आप ही देख रहे हो यार कितनी अच्छी खातून है जो मेरे बच्चे को चुप करा रही है,
और जिन खवातीन के बच्चे हैं वो तो उनको आइडिया होगा कि जब आपके बच्चे को गोद में लेता है तो आप मुतमईन नहीं होते हैं कि चलो एक और मेरे साथ इंसान आ गया है। और ये उस दौरान की बात है जब इनकी जो नन थी वो वहाँ पर गई। यूं हुमा की वालदा को पूरी तरह एतमाद में लेने के बाद अगवाकार खातून ने अपने घिनौने फेल को हतमी शक्ल देने का फैसला कर लिया। वो साथ चल रही थी पीछे चल रही थी आपके? हमारे पीछे पीछे साथ साथ चल रही पीछे पीछे साथ चल रही थी। और आप मुतमईन थी कि चलो वो बस स्टॉप तक छोड़ने आ रही है? नहीं, वो कह रही थी आप लोग बस में, बस एक ही बस में, एक ही बस में जाना है, एक ही साथ जाना है जी। फिर आप बस में चढ़ती हैं? हम लोग जैसे पानी पीने लगे ना, होटल से पानी पी रहे थे, तो हम लोगों ने पीछे मुड़ के देखा वो लड़की गायब है। वो लड़की गायब थी जी। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद हम लोगों ने इधर उधर ढूंढा है बच्ची को, जैसे उस लड़की को भी ढूंढा है लड़की को। अमित साहब, आपको कब पता चला कि ये वाकया हो गया? सर, इन्होंने तकरीबन आधे घंटे बाद मुझे कॉल की थी कि यार हमारे साथ ये वाकया हो गया, तो मेरे तो पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई थी कि यार इतनी सी बच्ची उठा के ले गए, वो भी गोद से कैसे ले गई। तो मुझे उस वक्त किसी कहानी का नहीं पता था। फिर मैं जब यहाँ पहुँचा तो फिर इनसे सारा वाकया पूछा, फिर हम लोग चले गए न्यू टाउन थाने में, वहाँ हम लोगों ने FIR वगैरह कटवाई इसकी। और FIR उसी दिन कट गई थी? उसी दिन कट गई थी। पुलिस ने फौरन तावन किया? फौरन तावन किया, फौरन। नॉर्मल अगर बच्चा खो जाता है तो आप पहले एक दिन तो आप रिश्तेदारों के घर जाके ढूंढते हैं कि बच्चा के थोड़ा बड़ा हो कि वहाँ ना चला गया हो, अगवा के ऊपर तो आप बाद में आते हैं। लेकिन यहाँ तो आपको पता था कोई औरत ले गई, औरत ले गई, और ये भी नहीं पता वो कौन है, कौन? उस औरत ने कोई नकाब वगैरह पहना हुआ था या हिना बीबी ने उनका चेहरा देखा था? नहीं, चेहरा नहीं देखा था। वो कह रही है बिल्कुल इस आम पर्दा जैसे होता है, जैसे इन्होंने नकाब किया वैसे नकाब किया हुआ है, आम पर्दा किया। तो ये बड़ी एक तरह से इनके लिए तो डेफिनेटली और हर एक के लिए मैं खतरनाक बात थी कि इनको नहीं पता था कि उसकी शक्ल कैसी दिखती है। क्योंकि आप जब पुलिस में जाते हैं आप बता सकते हैं कि भाई उसकी शक्ल ऐसी थी, वो भी उसके नकाब की वजह से उसका चेहरा भी मालूम नहीं था, नंबर भी उसका पास नहीं था कि उसका कोई फ़ोन नंबर हो, क्योंकि एक अजनबी औरत इनको अस्पताल में मिली थी। और मैं आपको बताना चलूँ कि ये कोई पहला वाकया नहीं है, हम इस वाकये पर हम दो तीन दफ़ा शो भी कर चुके हैं, और ये हर दूसरे दिन तीसरे दिन अखबार में ऐसी खबरें छप रही होती हैं कि जो बच्चा जो है वो अस्पताल से गायब हो गया। और ये पूरे गैंग हैं जो इस तरह से देखते हैं, जो वहाँ पर बैठे हुए होते हैं और वो इस नज़र में रहते हैं कौन सा जो है फैमिली वो थोड़ी सादा फैमिली है, वो इतने तेज़ नहीं है, तो उनको जाके वो टारगेट करते हैं। ये खानदान अपनी बच्ची को अगवा होने से कैसे बचा सकता था? तफ्तीश के इन सब पहलुओं को गौर से देखिए ताकि अगर कल कोई ऐसी नौसरबाज खातून आपकी आंखों में धूल झोंकना चाहे तो कामयाब ना हो सके। वो यहाँ से आए ना, तो ये इनका कहना है कि यहाँ से हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे, तो अमूमन इसी साइड से लोग जाते हैं क्योंकि वहाँ से तो गाड़ियाँ वगैरह जा रही हैं, तो पैदल सफर करने वाला यहीं से चलता है। वो फिर आगे जाके मिली थी हमें, आगे जाके मिली थी आगे जी, मतलब तो आगे स्टॉप है तो आगे तक ये लोग चले गए। कराची के इलाके से वाकिफ है, कराची के महल वकूस, उनको पता होगा कि बड़ा एक कमर्शियल एरिया है, बड़ा गुंजानाबाद इलाका है, और कोई सोच भी नहीं सकता कि दिन दिहाड़ा यहाँ पर अगवा की ऐसी वारदात हो सकती है। तो वो खातून यहाँ तक अभी इनके साथ साथ चल रही थी उस बच्ची को उठाए हुए। और यहाँ पर ये जो आपको इस वक्त मेडिकल स्टोर नज़र आ रहा है, एक मेडिकल सेंटर है, यहाँ की CCTV फुटेज भी ली गई थी, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो कैमरे जो हैं आपको लगे हुए नज़र आएंगे। और फिर आगे जाके जो है वो कुछ दुकानें हैं फ्रूट्स की, और वहाँ पर जाके इन्होंने फ्रूट ख़रीदा था, और उस वक्त भी ये खातून आगे आगे चल साथ साथ चल रही थी, उन्होंने बच्ची गोद में उठाया हुआ था। हैरत है, इस फैमिली को ज़रा भी भिनक ना पड़ी कि सामने मौजूद खातून उनकी हमदर्द है या फिर उनकी खुशियों की दुश्मन। ऐसे में अगवाकार खातून के लिए वारदात करना मजीद आसान हो गया। अरे भाई, अब ये तो बिल्कुल एक जिसे कहते हैं ना बंद गली में आप आ गए थे, आपको नहीं पता था कि हमारी बच्ची किधर गई है, आपको ना उस औरत की शनाख्त पता थी ना उसका फ़ोन नंबर आपको पता था, आपको बस ये पता था कि एक अबाया में एक खातून आई थी और बातें करके बच्ची को ले गई, अब आपके पास कोई क्लू नहीं था। फिर आपने क्या सोचा वो जो 21 नवंबर की रात थी आपके लिए बहुत अजियतनाक होगी, पहली रात आप जो घर वालों के पास बैठे क्या आप लोग डिस्कस कर रहे थे आपस में? सर, पहले तो हम लोग यहाँ से घर पहुँचे तो तकरीबन ऐसा माहौल था कि जैसे हमारे घर में अभी कि अभी मैयत हुई है, तो सब रोना धोना कर रहे थे कि यार बस ये हो गया, हादसा हो गया, एक हमारे साथ एक हादसा हो गया था। तो फिर उसके बाद
हम लोग यही सोच रहे थे कि शायद ही हमें वापसी हमारी बच्ची ना मिल सके। और फिर उस वक्त ये भी हो रहा होगा कि जो हिना बीबी है इनको भी सारे बातें सुना रहे होंगे। जी बस थोड़ी बहुत तो बातें वगैरह होती रहती हैं फैमिली में होती रहती हैं। लेकिन उस वक्त एक माँ पे क्या गुजर रही होगी कि जब उसके जिगर के टुकड़े को कोई ऐसे उठा के ले गया हो और उसी को मुर्दे इल्जाम ठहराया हो। वालिदैन मरते क्या ना करते, बच्ची के अगवा के बाद जहनों में वसवसे कैसे ना सर उठाते। पुलिस ने किस नुक्ते से किया तफ्तीश का आगाज, किस हाल में थी नन्नी परी, कैसे हुआ इस खौफनाक कहानी का पर्दा चाक, ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। औरत की जब औलाद ना हो तो औरत अपने आप को नामुकम्मल समझती है। शायद हमारी बच्ची किसी के ऊपर उसने भेज दी होगी। पुलिस के पास क्या लीड थी, क्या था? दो माह की नन्नी हुमा, एक हौलनाक वाकया। उसने कहा मैं अभी जा रही हूँ आपके साथ साथ, थोड़ी देर में वो गायब हो। माँ ने बेटी को अजनबी खातून के हवाले क्यों किया? औरत की जब औलाद ना हो तो औरत अपने आप को नामुकम्मल समझती। हॉस्पिटल के रिकॉर्ड से मार्केट के सीसीटीवी कैमरों तक। मेरे तो पाँव के नीचे से जमीन निकल गई थी कि यार इतनी सी बच्ची उठा के ले गए, वो भी गोद से। पुलिस तफ्तीश में चौंका देने वाले इंकशाफात। किसी को भी शक नहीं गुजरा कि ये जो खातून जो यहाँ पर एक बच्चे को गोद में उठा के लेके जा रही हैं, वो किसी और का बच्चा अगवा करके लेके जा रही हैं। आपने अभी जैसे मुझे बताया कि आप लोग तो उम्मीद का दामन हाथ से छोड़ चुके थे कि अब तो हमें बच्ची नहीं मिलने वाली, कोई क्लू भी नहीं है, एक बंद गली में आप खड़े हैं। कब आपको लगा कि शायद बच्ची मिल जाए, हुआ क्या उसके बाद? 22 नवंबर को क्या हुआ फिर? सर 22 नवंबर को सुबह मुझे थाने वालों का फ़ोन आया था कि आप आके अपनी FIR की कंप्यूटराइज कॉपी ले जाओ। मैं आया तो उन्होंने मेरे से पहले CCTV फुटेज वगैरह लेके रखी हुई थी। काम उन्होंने बड़ा तेज़ी से किया। अच्छा, तो CCTV फुटेज में मुझे उन्होंने चेक कराया, बोला इसमें अपनी बेगम को पहचानो और वो औरत पहचानो कि कौन सी है। तो मुझे उन्होंने उसी वक्त मुझे बताया कि यार ये देखो, ये चेक करो, हमने यहाँ से CCTV फुटेज निकाले। अच्छा, तो उन्होंने सिर्फ हॉस्पिटल से नहीं, और भी जगहों से निकाले। अच्छा, हॉस्पिटल से वो तमाम लेडीज़ के फ़ोटो वगैरह निकाले, शिनाख्त वगैरह निकाली कि यार यहाँ पर आज पूरे दिन में कौन कौन सी औरतें चेकअप के लिए आई थी। पुलिस ने उस रोज हॉस्पिटल से आने वाली इन खवातीन का डाटा भी निकलवाया, जिनकी कुल तादाद 119 थी। पुलिस ने इन खवातीन की तस्वीर मगवी बच्ची की माँ को भी दिखाई कि शायद वो शनाख्त कर सके। पुलिस ने हॉस्पिटल से मिलने वाले डेटा से CCTV कैमरों तक हर जगह खोज लगाई। ये ऐसे जब यहाँ पे गई तो यहाँ पे आप देखेंगे, इधर कैमरा अगर आप घुमाएंगे तो यहाँ पे आपको सामने फ्रूट्स की काफ़ी सारे स्टॉल जो है नज़र आएंगे, और ये लोग कुछ यहाँ देर के लिए यहाँ पर रुके हैं। और फिर आपने कहा कि अभी सारे फ्रूट वाले आपको जानने लग गए। जी सब ये जानते हैं, अब यहीं पर घूमता था मैं रोज़ाना, आकर दिन भर घूमता था बच्ची को ढूंढने के चक्कर में पुलिस वालों के साथ। और आप कितनी दफ़ा यहाँ पर आए, क्योंकि आप जहरी बात है एक बाप थे और आपकी तकरीबन 20 से 22 दिन तक तो मैं यहीं घूमता था तकरीबन। डेली आप यहीं घूम? जी डेली घूम रहा होता था मैं। तो सोचिए एक उस बाप का कर्ब के वो रोज़ आके अपनी बच्ची को तलाश करता था, हर जाने जाने इंसान से पूछता होगा यार तुमने उस औरत को देखा जो मेरी बच्ची को ले गई थी। रक्षे वगैरह वालों से भी पूछा था मैंने, रक्षे वालों से मालूमात ली कि यार इस तरह की कोई औरत वगैरह कोई बच्ची वगैरह लेके जा रही हो। हाँ। तो मैं उसको तो अगर कुछ तुम्हारे इल्म में है तो हमें बता दो ताकि हमें आसानी हो जाए हमारी बच्ची ढूंढने में। और फिर जो फुटेज मिली वो यहाँ तक मिली, आगे जाके एक मार्केट है जहाँ पर वो खातून चली जाती है, वो जगह भी आपको दिखाते हैं, जिसके बाद इनको कोई क्लू नहीं मिला कि वो औरत कहाँ की। उठाया दिन के बाद बिल्कुल ये उस जगह पर आ गए थे, एक बंद गली में आ गए थे, इनको आगे कोई क्लू नहीं मिल रहा था, कोई सुराग नहीं मिल रहा था कि आखिर वो औरत कहाँ गई। कौन थी अगवाकार खातून, नौमौलूद बच्चों को अगवा करने वाली खवातीन का अमूमी मकसद क्या होता है, क्या कोई नफ्सियाती उलझन उन्हें ऐसा करने पर मजबूर करती है? बाज़ दफ़ा ये कहा जाता है कि औरत की जब औलाद ना हो तो औरत अपने आप को नामुकम्मल समझती है। ये प्रोसेस अल्लाह ताला ने दिया है। औरत जब औलाद पैदा करती है तो उससे लगता है कि मुकम्मल हुई, तो एक तो उसकी अपनी जिस्मानी ज़रूरत, उसकी हार्मोनल चेंजेस और उसकी नफ्सियात। माशरा ऐसी औरत को आसानी से कबूल करता है, इज़्ज़त भी देता है जिसकी शादी के बाद साल डेढ़ साल में औलाद हो जाए। जिसकी नहीं होती तो यह शक की
सुइयां घूमना शुरू होती है, क्या लड़की में कोई ख़राबी है? कोई लड़के से कोई नहीं पूछता, अक्सर ख़राबी लड़के में होती है मगर उससे कोई नहीं पूछता क्योंकि मैन डोमिनेटेड सोसाइटी है, तो अक्सर लड़की से ऊपर शक होता है कि पता नहीं क्या हो, कोई बांझ तो नहीं है, कोई ख़राबी तो नहीं है। अब जिसकी वजह से नहीं हो पाती किसी की, मेडिकल रीज़न हो सकते हैं, हस्बैंड के अंदर प्रॉब्लम का हो सकता है कोई, या खातून में प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो औरत फिर उस तशनगी को, उस कमी को महसूस करती है और ये कमी पूरा करने के लिए बाज़ लोग एडॉप्ट करते हैं बच्चे और बाज़ जिनकी मुजरमाना ज़हनियत हो, क्योंकि डेफिनेटली मुजरमाना हक कि किसी को और बच्चा चुरा लेना, तो वो फिर बच्चे उठाने की कोशिश करती है। इस केस में अगवाकार खातून का मकसद क्या था? पुलिस कोशिश के बावजूद 18 दिन तक कोई सुराग ना लगा सकी और दूसरी तरफ वालिदैन के लिए हर लम्हा कयामत से कम ना था। आपको फिर अब ये परेशानी भी होगी क्योंकि जो वालदा होते हैं उनको ये होता है कि मेरे बच्चे ने खाना खाया है, मतलब दूध पिया है नहीं पिया, वो बीमार तो नहीं है, वो औरत पता नहीं क्या थी, वो सही तरह रख रही थी, कहीं वो कोई जो बच्चे बेचने वाले लोग होते हैं वो तो नहीं थे, उसने किसी को आगे फरोख तो नहीं कर दिया, वो उस गैंग के साथ तो नहीं थी, तो क्या ख्याल आते थे आपको उस वक्त? सर जी सर, ये सारे ख्याल आते थे हमें कि यार शायद हमारी बच्ची किसी के ऊपर उसने बेच दी होगी, किसी जोड़े पे बेच दी होगी, जो शादीशुदा जोड़े होते हैं अक्सर उनकी बे औलादे होते हैं तो वो अपने लिए ख़रीद के औलाद भी ले लेते हैं। अमजद, फिर कहानी यहाँ पे ख़त्म हो गई, आपने कहा 18 दिन हो गए, कोई क्लू मिलना बंद हो गया, फिर उम्मीद की किरण कब नज़र आई? फिर उम्मीद की किरण यही थी कि बस नमाज पढ़ी, सबक पढ़ा, अल्लाह के आगे सजदे में गिरे कि या अल्लाह हमें अगर हमारे से कोई गलती कोताही होगी हो तो माफ़ी देना। तो 18 दिन के बाद फिर क्या खबर मिली आपको? फिर 18-20 दिन बाद खबर नहीं मिली, फिर हमें कुछ और दिन बाद यानी कि खबर मिली, पुलिस वालों ने फिर मुझे दोबारा बुलाया, फिर मुझे बिठा के पूछा कि भाई असल मामला क्या हुआ था, फिर मुझे सारे मामलात वगैरह मैंने उनको बताए, वही बातें दोबारा बताई, वही बात मुझे बताई है। जी जी बात तो फिर बताएं। ऐसी क्या पुलिस के पास क्या लीड थी, क्या था इसमें, तो आगे मुझे कुछ आपको आपको नहीं इल्म, पुलिस के इल्म में क्या बात थी, जो दोबारा बुलाया गया उनके हाथ में क्या क्लू लगा था वो आपको बताते हैं, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। किसी को भी शक नहीं गुजरा कि ये जो खातून जो यहाँ पर एक बच्चे को गोद में उठा के लेके जा रही हैं वो किसी और का बच्चा अगवा करके लेके जा रही हैं। वो वालदैन जो अपने छोटे बच्चों को अस्पताल लेके जाते हैं वो भी प्लीज केयरफुल रहें, एहतियात बरतें। ऐसे ही हम लोग पानी पी के उस तरफ जाने लगते तो वो भी हमारे साथ थी, बस पीछे मुड़ के देखा वो गायब थी। दो माह की नन्नी हुमा, एक हौलनाक वाकया। उसने कहा मैं अभी जा रही हूँ आपके साथ साथ, थोड़ी देर में वो गायब हूँ। माँ ने बेटी को अजनबी खातून के हवाले क्यों किया? औरत की जब औलाद ना हो तो औरत अपने आप को नामुकम्मल समझती। हॉस्पिटल के रिकॉर्ड से मार्केट के सीसीटीवी कैमरों तक। मेरे तो पाँव के नीचे से जमीन निकल गई थी कि यार इतनी सी बच्ची उठा के ले गए, वो भी गोद से। पुलिस तफ्तीश में चौंका देने वाले इंकशाफात। किसी को भी शक नहीं गुजरा कि ये जो खातून जो यहाँ पर एक बच्चे को गोद में उठा के लेके जा रही हैं वो किसी और का बच्चा अगवा करके लेके जा रही हैं। वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर आप खुश आमदीद कह रहे हैं इंकशाफ में, और आज का इंकशाफ बहुत ही हसास है। हमारे साथ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जो है कामरान, वो हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान के बारे में पता चलूँ कि इन्होंने ना सिर्फ इस स्टोरी को सबसे पहले एक्सक्लूसिवली कवर किया बल्कि फॉलोअप भी रखा। आपको कब ये खबर मिली कि ये सब कुछ हो गया है, और आपका पहला इसके ऊपर क्या रिएक्शन था? हम तक जो खबर आई थी वो ये आई थी कि बहादराबाद के इलाके से एक बच्ची इस तरह लापता हुई है, वालिदैन जो हैं वो परेशान यहाँ पर फिर रहे हैं और वो थाने ढूंढ रहे हैं कि थाने में जाके बताने के लिए। तो हमने भी फिरोजाबाद और न्यूटाउन थाने से मालूम किया, तो बिलाखिर हमें मालूम हुआ कि न्यूटाउन थाने में जो वालिदैन हैं वो वहाँ पे पहुँचे हैं और बाकायदा तौर पे इस वाक़े को रजिस्टर कराने के लिए वहाँ पे पहुँचे। तो वहाँ पे बाकायदा तौर पे ये मुकदमा दर्ज हुआ, मुकदमा दर्ज हुआ तो उस मुकदमे की हमने FIR की जो कॉपी है वो हमने हासिल कर ली। ये बताएं कि 18 दिन के बाद एक अहम क्लू पुलिस के हाथ में आता है, वो क्या क्लू था? और तकरीबन 20 दिन गुजर चुके थे, यानी अगर आप 21 नवंबर से बात कर रहे हैं तो तकरीबन ये 11-12 दिसंबर की बात है कि पुलिस के हाथ में क्लू लगता है, वो क्लू क्या था? अच्छा, इसमें हमारे लिए सबसे बड़ी जो मेरे लिए ज़ाती तौर पर बड़ी जो मुश्किल जो पेश आ रही थी, जो मैं एहतियात इसमें कर रहा था, अगवा बराए इस तरह के जो अगवा के जो केसेस होते हैं उसमें हम सारे जो मालूमात होती हैं वो सब मंजराम पे नहीं लाते हैं, हालांकि काफ़ी सारी बातें हमें मालूम होती हैं
सीसीटीवी और जो रक्षे और जो इसके पॉइंट वगैरह जो थे वो सारे पुलिस से और जो इससे मुतलका जो थे अहलकार थे उनसे मेरी बातचीत होती रही। बाकायदा तौर वालिद से मैं फ़ोन में रबते में था और ये जो इनका जो लेकिन पुलिस ने वहाँ से मख्फी रखी बातें छुपा के रखा कि भाई ये ना हो कि मीडिया पर ये बात आ जाए और ये जो है जो जिससे अगवा किया है वो इस हवाले से होशियार हो जाए या वो अलर्ट हो जाए कि भाई अब जो है ये तो मुझे यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो वो कहीं और फरार हो जाए। हाँ ये सच है कि पुलिस ने तफ्तीश के बहुत सारे पहलुओं को छुपाए रखा लेकिन साथ ही कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश भी जारी रखी। जब ये बिल्कुल चार मीनार चुरंगी के पास आते हैं तो ये सड़क को छोड़ देते हैं और ये फुटपाथ पे चलना शुरू कर देते हैं और फिर यहाँ फुटपाथ से होते हुए ये लोग जाते हैं आगे की तरफ और फिर यहाँ तक कि सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिली और आगे जो है आगे वो दुकान है पानी की शॉप है जहाँ पर जब पानी पीने के लिए रुके उस होटल पर तो वहाँ से वो औरत बच्ची को लेके रफू चक्कर हो गई। आगे लेके चलते हैं आपको। सबसे अहम क्लू इनको यहाँ से मिला और फिर इन्होंने क्योंकि जब आप पानी पी रही थी यहाँ से ये जो सामने लकी होटल है वहाँ पे हम लोगों ने रुक के पानी पिया टेबल से उसने भी पिया है। अच्छा तो साथ पानी साथ पिया जी उसने भी पानी पिया। जैसे ही हम लोग पानी पी के उस तरफ जाने लगते तो वो भी हमारे साथ थी बस पीछे मुड़ के देखा वो गायब। मजीद क्लू इधर से मिले थे आगे से मिले थे तो आगे फिर वो एक सामने एक शॉप है वहाँ से भी एक कैमरा लगा हुआ था ज़्यादा क्लू फिर वहाँ से मिला कि इस मार्केट के अंदर वो चली गई। अच्छा यानी फिर वो इस तरफ आई है और इस तरफ आने के बाद वो चुरंगी की तरफ नहीं गई जहाँ से उसको जहाँ से वो जो स्टॉप था चार मीनार चुरंगी जहाँ से उसने अपना बस या रिक्शा पकड़ना था वो यहाँ से आके इस मार्केट के अंदर चली गई और फिर जब वो मार्केट के अंदर गई तो फिर पुलिस को यहाँ तक का क्लू मिला और जब पुलिस ने मार्केट में जाके छानबीन की तो बहुत सारे जो मोबाइल शॉप्स थी उधर सीसीटीवी फुटेज थी नहीं उनके कैमरे अगर थे भी तो किसी कैमरे पे रिकॉर्डिंग मौजूद नहीं थी वो सिर्फ लाइव कैमरा से तो यहाँ पर आके ये एक बंद गली में आगे इनको नहीं पता चला और फिर तकरीबन 18 से 20 दिन के बाद इनको वो क्लू मिला। तो फिर वो अब ये इन लोगों ने तो चार मीनार चुरंगी से अपना वो स्टॉप था वहाँ से बस या रिक्शा लेना था लेकिन वो औरत जो है यहाँ से चलते हुए मैं आपको बताता हूँ वो इस तरफ चली गई। हाँ। वो सामने वो कैमरा ठीक है आसान ना था तहम पुलिस डटी रही मंजिल करीब थी। ये जो अगवा के जो केसेस होते हैं ये ज्यादातर एवीसीसी एंटी वायलेंट क्राइम सेल जो इस तरह के मामला खासतौर पर खसूसी तौर पर बनाया गया है जो अगवा जैसे केसेस हैं इनको वो डील करते हैं तो उन्होंने जब ये केस उनके पास चला गया तो एवीसीसी ने इस जो सारे वाक्यों को है जो सारे मालूमात हैं उसको खुफिया रखा है। एवीसीसी के पास जो जो सीसीटीवी यहाँ पे आके जो जिस एंगल से वो सीसीटीवी वो हासिल कर सकते थे मकाम से आके उन्होंने हासिल कर ली और बाकायदा तौर पर जो वालिद हैं हुमा के दो माँ की बच्ची के उनको अपने पास बुला के बाकायदा तौर पर वो दिखाते थे तो एक अच्छी मतलब हम इस सारे केस में हम देखते हैं पुलिस का पुलिस की एफिशिएंसी नजर आई है बड़ी और ये बड़ा रेयर होता है लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये बहुत ही छोटी बच्ची का मामला था और इसमें सारों के दिल जो थे जारी बात है अगर एक पुलिस वाला है वो भी एक इंसान है उसके भी अपने बच्चे हैं उसके भी बेटे बेटी हैं उसको पता हो गया दो माँ की बच्ची आपके पास से इस तरह से अगवा हो जाए तो उसका क्या एक कर्ब और एक अजियत होती है जिससे हम जैसे आप गुजर रहे थे। तड़पते वालिदैन को कैसे करार आया वो कौन सा क्लू था जो पुलिस को लेकर गया अगवाकार खातून तक किस हाल में थी नन्ही हुमा मासूम बच्ची कैसे हुई बाजियाब ये सब दिखाएंगे आपको लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। किसी को भी शक नहीं गुजरा कि ये जो खातून जो यहाँ पर एक बच्चे को गोद में उठा के लेके जा रही हैं वो किसी और का बच्चा अगवा करके लेके जा रही हैं। वो वालिदैन जो अपने छोटे बच्चों को अस्पताल लेके जाते हैं वो भी प्लीज केयरफुल रहें एहतियात बरतें। ट्रेस हो जाता है उस रिक्शे वाले का नंबर जो कि उस खातून को यहाँ से कुरंगी पांच नंबर लेके गया। दो माह की नन्नी हुमा एक हौलनाक वाकया। उसने कहा मैं अभी जा रही हूँ आपके साथ साथ थोड़ी देर में वो गायब हो। माँ ने बेटी को अजनबी खातून के हवाले क्यों किया। औरत की जब औलाद ना हो तो औरत अपने आप को नामुकम्मल समझती।
हॉस्पिटल के रिकॉर्ड से मार्केट के सीसीटीवी कैमरों तक। मेरे तो पांव के नीचे से जमीन निकल गई थी कि यार इतनी सी बच्ची उठा के ले गए, वो भी गोद से। पुलिस तफ्तीश में चौंका देने वाले इंकशाफात। किसी को भी शक नहीं गुजरा कि ये जो खातून जो यहाँ पर एक बच्चे को गोद में उठा के लेके जा रही हैं, वो किसी और का बच्चा अगवा करके लेके जा रही हैं। ये केस एक बंद गली में आकर उस वक्त रुक गया जब अगवाकार खातून एक मार्केट के अंदर पहुंचकर गायब हो गई। लेकिन इस मार्केट के दूसरे सिरे पर पुलिस को रोशनी की एक किरण दिखाई दी। इस मार्केट में खातून इंटर होती हैं और उन्होंने उस दो माह की बच्ची को उठाया हुआ होता है और वो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा होगा कि जैसे कोई माँ अपनी बच्ची को लेके जा रही है। किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि वो एक दो माह की बच्ची को अगवा करके अपने साथ लेके जा रही है और वो यहाँ से गुजरी है। और फिर यहाँ पे पुलिस भी आई, उन्होंने डिफरेंट जो शॉप्स वाले थे उनसे पूछा कि भाई आपके पास कोई सीसीटीवी कैमराज हैं ताकि उस खातून को लोकेट किया जा सके। और ये आप देखेंगे तो ये एक फैमिली मार्केट है, यहाँ पर बहुत सारी खवातीन शॉपिंग के लिए आती हैं, यहाँ पर खवातीन ही कपड़े मिल रहे होते हैं। तो किसी को भी शक नहीं गुजरा कि ये जो खातून जो यहाँ पर एक बच्चे को गोद में उठा के लेके जा रही हैं, वो किसी और का बच्चा अगवा करके लेके जा रही हैं। तो यहाँ से वो आगे निकलती हैं और फिर जो सबसे अहम क्लू पुलिस को मिला वो ये था कि यहाँ पर आप जैसे ही बाहर आते हैं तो आपको बहुत सारे रक्शे खड़े हुए नज़र आते हैं और यहीं पर एक रक्शे में वो खातून आती हैं, उस रक्शे में बैठती हैं और यहाँ पर डिफरेंट कैमराज लगे हुए बिल्डिंग्स में, तो वहाँ से पता चलता है कि उसमें ट्रेस हो जाता है उस रक्शे वाले का नंबर जो कि उस खातून को यहाँ से कुरंगी 5 नंबर लेके गया। लेकिन वो रक्शे वाला बेखबर होता है कि जो औरत बच्चे को उठाए साथ जा रही है ये कि अपना बच्चा लेके नहीं, किसी और का बच्चा अगवा करके लेके जा रही है। और फिर जब नंबर ट्रेस हो गया रक्शे का, उसके बाद फिर पुलिस वालों ने जियो फेंसिंग की और फाइनली कुरंगी 5 नंबर तक पहुँचे। फिर वहाँ पर पुलिस वालों ने पड़ाव डाला और फिर इन्वेस्टिगेट किया कि आखिर वो औरत कौन है। फिर उन्होंने इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन पर उन्होंने छापा मारा और फाइनली 3 माह की बच्चे जो कि 2 माह की अगवा हुई थी, हुमा 3 माह की उम्र में उसको बाजियाब करवा दिया। यूं नन्ही परी अपने वालिदैन के पास पहुंच गई। तड़पते वालिदैन के चेहरे खुशी से खिल उठे। हमारे प्रोग्राम में खुशी के लम्हात बहुत कम आते हैं, बड़ी सैड स्टोरी होती है, लेकिन इस कहानी में खुशी का लम्हा है कि इस वक्त हुमा हमारे पास है। 3 महीने की बच्ची 1 महीने बाद बाजियाब हो गई, यानी कि 2 महीने की एज में अगवा हुई थी और 1 महीने बाद पुलिस की काविशों से ये अगवा हुई। और हम पुलिस का मौका लेना चाह रहे थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो नोटिफिकेशन आया हुआ है पुलिस का मौका आपको अब नहीं मिलता, उनकी अच्छी कारकर्दगी पर भी नहीं मिलता। तो इस वक्त ये हुमा हमारे पास है और मैं इनके वालिदैन को वापस करूँगा क्योंकि इन्होंने एक सबक तो सीखा कि किसी की गोद में बच्ची नहीं देनी, चाहे वो किसी शो का एंकर ही क्यों ना हो। तो अमजद भाई आप ये अपनी बेटी माशाल्लाह इसको अपने पास रखें और मुझे बताएँ जब आपको हुमा बाजियाब हुई और आपको कैसे इत्तला मिली, वो क्या मौका था, वो क्या खुशी का लम्हा था, वो प्लीज़ शेयर कीजिए। सर मैं आप कहाँ पर थे? मैं घर पर था। अच्छा, घर पर था तो हम लोग को और आपको कोई क्लू नहीं था कि ये कोई क्लू नहीं था कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे कुछ पता नहीं था। तो मुझे इतने में ABCC से फ़ोन आया कि यार आप अमजद बात कर रहे हो। मैंने बोला जी। बोला मुबारक हो आपकी बच्ची मिल गई है, आप जल्द आएँ। तो मेरे उस वक्त यानी कि खुशी के आंसू थे मेरी आँख में ना, तो खुशी के आंसू थे। मैं भागा भागा गया, सबसे पहले अपनी माँ को गले लगाया कि माँ मेरी बच्ची मिल गई है। फिर उसके बाद मैंने दीगर रिश्तेदार वगैरह जो भी मेरे थे चाचू मामू के बेटे सबको बुलाया, मैंने बोला यार मेरे साथ जाना है, हमने बच्ची लेके आनी। फिर आपने जब पहुँचे वहाँ पर क्या हुआ जब आप ABC के ऑफिस पहुँचे? तो जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ वो औरत उनके पास बिठाई हुई थी, अपने बच्ची उठाई 1 महीने बाद जाके। सर बड़ी खुशी का लम्हा था, तो मैंने बच्ची ली और प्यार वगैरह किया। फिर मैंने अपनी बेगम को बच्ची पहचान ली अपनी थी। जी जी। अच्छा। वो औरत भी मतलब बेगम ने पहचान ली जिसने ये काम किया था। हुमा के वालिदैन को थाने में देखकर अगवाकार खातून रो रो कर माफिया मांगने लगी। सवाल ये था कि आखिर इस खातून ने क्यों उठाया ये इंतहाई कदम। सदाए तौर पर अभी जो मुलजिमा है उसने जो पुलिस को जो बयान दिया है उसके मुताबिक उसका यही कहना है कि 6 साल से उसकी शादी हुई, उसका कोई बच्चा नहीं है, औलाद की महरूमी की वजह से उसने ये इकदाम उठाया। अब औलाद की महरूमी की वजह से उसने ये इकदाम जो उठाया है इससे उस पर एक कोई रहम या वो तो नहीं किया जा सकता, ये क्रिमिनल एक्ट है। ऑब्वियसली क्रिमिनल एक्ट है। अगर आपकी औलाद नहीं है तो उसके बहुत सारे जरिए, यू कैन अडॉप्ट अ चाइल्ड, आप किसी से बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं, आप किसी से गोद ले सकते हैं बच्चा, आप इसका एक प्रॉपर कानूनी तरीका मौजूद है, आप एक थ्रू प्रॉपर चैनल ये सारा काम कर सकते हैं। एक माँ से उसकी एक माँ की गोद उजाड़ कर आप कैसे कर सकते हैं, एक माँ से उसके जगह का टुकड़ा छीन के आप कैसे अपनी जो है वो ज़िंदगी में एक बच्चे को ला सकते हैं, ये तो मतलब एक हीनियस क्राइम है।
इस केस में पुलिस का किरदार यकीनन काबिले तारीफ है। यही वजह है कि आज मुतल्लिका पुलिस अफसरान को नन्ही हुमा के वालिदैन दुआएं दे रहे हैं। सारे मामले से मैं बड़ा खुश हूँ, खासतर ये हमारे कामरान भाई हैं 24 न्यूज़ वाले, इनसे मैं रबते में रहता रहा। ये भी जो हमारा मेरा IO है आबिद तनोली साहब, उनके साथ रबते में थे। ये भी पूछते थे बच्ची के बारे में कि हाँ भाई क्या मिला, कुलू वगैरह मिला कुछ या नहीं मिला, तो मेरे साथ भी रबते में थे। तो मैं इनका भी बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ 24 न्यूज़ वालों का कि इन्होंने मेरे साथ बड़ा तावन किया, और ख़ासतर न्यूटन थाने वालों का, इन्होंने भी मेरे साथ बड़ा तावन किया, और AVCC अफसरान वगैरह सबसे। पुलिस में आप किसको सही हीरो समझते हैं, जिसको आपको था कि यार ये बंदा मेरी बेटी को ले आएगा, वो कौन था पुलिस अफसर? सर पुलिस अफसर तो पहले तो मैं बात करूंगा आबिद तनोली साहब। आबिद तनोली साहब बड़े अच्छे लगे मुझे, बहुत ज़बरदस्त ऑफिसर थे। मैं इधर से फ़ोन करता था कि सर आप कहाँ हो, मैं आऊँ या ना आऊँ, तो मुझे ये कहते थे कि मैं बस जैसे ही कोर्ट से फारिग होकर आपसे बात करता हूँ, तो वो कोर्ट से फारिग होकर फ़ौरन मुझे फ़ोन करते थे, बोलते थे आप आ जाओ, मैं यहीं पे जगह पे पहुँच चुका हूँ। तो जब मैं आता था तो मेरे से पहले वहाँ वो मौजूद होते थे। इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला तमाम बच्चों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, और वो वालिदैन जो अपने छोटे बच्चों को अस्पताल लेके जाते हैं वो भी प्लीज़ केयरफुल रहें, एहतियात बरतें, और कोई अजनबी आपसे कितनी ही मीठी बातें क्यों ना कर रहा हो, कितना ही आपको बहला फुसला क्यों ना रहा हो, उसको अपना बच्चा कभी किसी गोद में ना दें, और विजिलेंट रहें और अपने बच्चों को प्रोटेक्ट रखें, क्योंकि ये बड़ा अजीबोगरीब दौर है, इसमें कोई किसी का नहीं है। तो और स्पेशली वो इंसान जो आपसे बहुत मीठी बातें कर रहा हो उसे तो ख़ासतौर पर होशियार रहें। इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के बच्चों के हिफ्ज़ो अमान में रखे, मुकर्रम कलीम और टीम इंकशाफ को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा अगला इंकशाफ।